हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में कालक्रम की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य आंदोलन के नाम है युयुत्सुवाद, युयुत्सावाद, अकविता, नई कविता, नकेनवाद। सही उत्तर है बी, नई कविता 1954 ईस्वी जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा, नकेनवाद 1956 ईस्वी नलीन विनोचन शर्मा, तीसरी कुमार तथा नरेश द्वारा, अकविता 1965 ईस्वी जगदीश चतुर्वेदी द्वारा, युयुत्सावाद 1968 ईस्वी सलभ श्रीराम सिंह द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है कृतिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। सही उत्तर है ए, कृतिलता 13वीं शताब्दी विद्यापति द्वारा, विनय पत्रिका 1596 ईस्वी तुलसीदास द्वारा, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी केशव दास द्वारा, ठाकुर ठसक 1600 के बाद ठाकुर द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। सही उत्तर है बी, पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी द्वारा, पथिक 1920 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, अनामिका 1923 ईस्वी निराला द्वारा, उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा अनुक्रम सही है? प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी तथा सज्जन। सही उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार सही उत्तर क्या है? रचनाकारों के नाम है दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है बी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी, दिनकर 1908 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का क्रम कौन सा सही है? आचार्यों के नाम है दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, भामा। सही उत्तर है सी, भामा 6वीं शताब्दी के मध्य, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य, मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? निबंध के नाम है शिव शंभु के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज, कहाँ है द्वारका। सही उत्तर है ए, शिव शंभु के चिट्ठे 1904 ईस्वी बालमुकुंद गुप्त द्वारा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, कुटज 1964 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी अज्ञेय द्वारा। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? रचनाओं के नाम है पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। सही उत्तर है बी, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, यारों के यार 1967 ईस्वी कृष्णा सोबती द्वारा, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी उदय प्रकाश द्वारा।
अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम हैं नई कविता, नागरी नीरद, दीनमान, चांद। सही उत्तर है सी, नागरी नीरद 1893 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा, चांद 1920 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, नई कविता 1954 ईस्वी जगदीश गुप्त द्वारा, दीनमान 1965 ईस्वी रघुवीर सहाय द्वारा। अगला प्रश्न, उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासकारों के नाम हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकी नंदन खत्री। सही उत्तर है बी, देवकी नंदन खत्री 1861 ईस्वी, राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। कवियों के नाम हैं श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। सही उत्तर है ए, श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 ईस्वी, श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? रचनाओं के नाम है माँ, श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौड़ा, सोना माटी। सही उत्तर है सी, श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी जगमोहन सिंह द्वारा, माँ 1929 ईस्वी विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा, सती मैया का चौरा 1959 ईस्वी भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा, सोना माटी 1983 ईस्वी विवेकी राय द्वारा। अगला प्रश्न, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम है ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, जिंदगी और जोंक। सही उत्तर है बी, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी गुलेरी द्वारा, ममता 1929 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, गूंगे 1945 ईस्वी रांगे राघव द्वारा, जिंदगी और जोंक 1998 ईस्वी अमरकांत द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम हैं सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कादम्बनी, प्रतीक। सही उत्तर है डी, आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा, सरस्वती 1900 ईस्वी चिंतामणि घोष द्वारा, श्री शारदा 1916 ईस्वी नर्मदा प्रसाद मिश्र द्वारा, प्रतीक 1947 ईस्वी अज्ञेय द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? काव्य संग्रहों के नाम हैं गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथी। सही उत्तर है सी, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है ग्रंथी 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। सही उत्तर है ए, कालक्रम के अनुसार यशपाल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोह 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, झूठा सच भाग एक 1958 ईस्वी, भाग दो 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है?
सही उत्तर है सी। शिव शंभु के चिट्ठे 1904 ईस्वी बाल मुकुंद गुप्त द्वारा, रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, कल्पलता 1950 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य संग्रहों के नाम है कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम। सही उत्तर है डी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है बी, निर्मला 1927 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा द्वारा, सन्यासी 1941 ईस्वी ईला चंद्र जोशी द्वारा, न आने वाला कल 1968 ईस्वी मोहन राकेश द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम है मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, इंदुमती। सही उत्तर है सी, इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा, मिठाई वाला 1942 ईस्वी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा, वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रियंवदा द्वारा, यक्षगान 1957 ईस्वी अखिलेश द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम है सुधा, रूपाब, कृति, हिंदी प्रदीप। सही उत्तर है बी, हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट द्वारा, सुधा 1929 ईस्वी दुलारे लाल भार्गव द्वारा, रूपाब 1938 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा, कृति 1958 ईस्वी नरेश मेहता द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है कलंकी, बलराम की तीर्थयात्रा, अंधा कुआं, मादा कैक्टस। सही उत्तर है डी, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, कलंकी 1969 ईस्वी, बलराम की तीर्थयात्रा 1983 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्निर्मा, अनामदास का पोथा। सही उत्तर है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्निर्मा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है सी, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी काशी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी प्रयाग इलाहाबाद में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 ईस्वी चेन्नई मद्रास में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास, कामायनी। सही उत्तर है सी,
प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध द्वारा, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। सही उत्तर है ए, कीर्तिलता 14वीं शताब्दी विद्यापति द्वारा, रामचरितमानस 1574 ईस्वी तुलसीदास द्वारा, रसराज 1663 ईस्वी मतिराम द्वारा, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध द्वारा। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कृतियों के नाम है नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा। सही उत्तर है सी, ग्रंथि 1920 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा, आंसू 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, नए पत्ते 1946 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, ठंडा लोहा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। सही उत्तर है बी, चंद्रकांता 1888 ईस्वी देवकीनंदन खत्री द्वारा, गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, झूठा सच भाग एक 1958 ईस्वी, भाग दो 1960 ईस्वी यशपाल द्वारा, राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। सही उत्तर है डी, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा, ध्रुव स्वामिनी 1833 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश द्वारा, राम की लड़ाई 1979 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पत्रिकाओं के नाम है पूर्वग्रह, कथा देश, मतवाला, हिंदुस्तान। सही उत्तर है सी, मतवाला 1923 ईस्वी महादेव प्रसाद सेठ द्वारा, हिंदुस्तान 1936 ईस्वी शशि शेखर द्वारा, पूर्वग्रह 1974 ईस्वी अशोक वाजपेयी द्वारा, कथा देश 1997 ईस्वी हरि नारायण द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कहानियों के नाम है तिरीच, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा था। सही उत्तर है सी, उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, शरणागत 1955 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, तीसरी कसम 1956 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, तिरीच 1989 ईस्वी उदय प्रकाश द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? निबंधों के नाम है चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटर। सही उत्तर है ए, चिंतामणि भाग एक 1939 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल द्वारा, अशोक के फूल 1948 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, चितवन की छां 1953 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र द्वारा, रस आखेटर 1970 ईस्वी कुबेरनाथ राय द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। सही उत्तर है डी, संरचनावाद वीको द्वारा 1725 ईस्वी, यथार्थवाद वॉल्जॉक, जॉर्ज एलियट तथा हावेल द्वारा 19वीं शताब्दी, अस्तित्ववाद किरकेगार तथा पास्कल द्वारा 1813 ईस्वी, मनोविश्लेषणवाद तथा फ्रायडवाद सिगमंड फ्रायड द्वारा 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। सही उत्तर है सी। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, पहला राजा 1969 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा, कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? कविताओं के नाम है मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह है। सही उत्तर है डी, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी सुदामा पांडे धूमिल द्वारा, आवाज की भी जगह है मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी द्वारा, अपनी केवल धार 1980 ईस्वी अरुण कमल द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है पानी के प्राचीर, जंगल जहां से शुरू होता है, मैला आंचल, लोकरीन। सही उत्तर है डी, मैला आंचल 1954 ईस्वी परमेश्वर नाथ रेणु द्वारा, पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी रामदरस मिश्र द्वारा, लोकरीन 1977 ईस्वी विवेकी राय द्वारा, जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी संजीव द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम है हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती। सही उत्तर है डी, सरस्वती 1900 ईस्वी चिंतामणि घोष द्वारा, हंस 1930 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, आलोचना 1951 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान द्वारा तथा रविवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कहानियों के नाम है कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया। सही उत्तर है डी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद द्वारा, कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर द्वारा, वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रियंवदा द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? निबंधों के नाम है प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। सही उत्तर है ए, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी निराला द्वारा, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा, प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी कुबेरनाथ राय द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है सी, हिंदी साहित्य के युगों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, छायावाद 1918 ईस्वी, हालावाद 1933 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 ईस्वी, नकेनवाद 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है बी, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है ए, मतवाला 1923 ईस्वी महादेव प्रसाद सेठ द्वारा, कल्पना 1949 ईस्वी आर्येंद्र शर्मा द्वारा, सारिका चंद्रगुप्त विद्या अलंकार कमलेश्वर तथा मोहन राकेश द्वारा, पहल 1960 ईस्वी ज्ञान रंजन द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? सही उत्तर है बी, जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार है,
परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? लेखकों के नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है डी, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, राम कुमार वर्मा 1905 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। सही उत्तर है ए, संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास कृत, चंद्रगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद द्वारा, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, कोणार्क 1951 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम है यही सच है, रोज, उसने कहा था, कफन। सही उत्तर है सी, उसने कहा था 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, कफन 1936 ईस्वी, प्रेमचंद द्वारा, रोज अज्ञे द्वारा, यही सच है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाओं के नाम है बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर दस द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। सही उत्तर है बी, ये सभी आत्मकथाएं हालावाद के प्रवर्तक तथा छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीर का निर्माण, फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, दस द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य कृतियों के नाम है अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। सही उत्तर है डी, भारत भारती 1912 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, पल्लव 1928 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत द्वारा, अनामिका 1938 ईस्वी, निराला द्वारा, दीपशिखा 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम है हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। सही उत्तर है ए, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, मिश्र बंधु द्वारा, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन द्वारा, तथा बिहारी का नया मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम है रस गंगाधर, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, काव्यालंकार। सही उत्तर है बी, काव्यालंकार 6वीं शताब्दी पूर्वाद भामह द्वारा, काव्यालंकार सूत्र 8वीं शताब्दी उत्तराद वामन द्वारा, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी उत्तराद आनंदवर्धन द्वारा, रसगंगाधर 17वीं शताब्दी पूर्वाद पंडित राज जगन्नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम है नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। सही क्रम है कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, छायावाद का पतन 1948 ईस्वी, डॉक्टर देवराज द्वारा, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा, नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा।
अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है सी। बंगदूत 1829 ईस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट द्वारा ब्राह्मण 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा हंस 1930 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। सही उत्तर है डी। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी श्रीनिवास दास द्वारा, कंकाल 1929 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी अज्ञेय द्वारा, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? लेखकों के नाम है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर। सही उत्तर है डी। गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु तथा रामचंद्र शुक्ल। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस। सही उत्तर है ए। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी तथा पैरों तले जमीन। अगला प्रश्न, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम है पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे। सही उत्तर है बी। बुद्धू का कांटा 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, पूस की रात 1930 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, पत्नी जैनेन्द्र कुमार द्वारा, परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाओं के नाम है अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा। सही उत्तर है डी। अपनी खबर 1960 ईस्वी पांडे बीजन शर्मा उग्र द्वारा, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन द्वारा, अर्धकथा 1988 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म साहने द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य कृतियों के नाम है साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। सही उत्तर है बी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिओद द्वारा, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है सी। काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, अलंकारिकता रीतिकाल के अंतर्गत, इति वृत्तात्मकता वेदी युग के अंतर्गत, काल्पनिकता छायावाद के अंतर्गत, शोषण का विरोध प्रगतिवाद के अंतर्गत, छंदवाद नई कविता के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? संपादकों के नाम है धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह।
सही उत्तर है बी। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, नंदुलारे वाजपेयी, सिद्धांत सिंह चौहान, धर्मवीर भारती तथा नामवर सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? सही उत्तर है ए। जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही अनुक्रम इस प्रकार है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातु से प्रसादांत। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है ए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है बी। नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? लेखकों के नाम है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर है डी। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? पत्रिकाओं के नाम है धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कवि वचन सुधा। सही उत्तर है सी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा, सरस्वती 1900 ईस्वी, चिंतामणि घोष द्वारा, हंस 1930 ईस्वी, प्रेमचंद द्वारा, धर्मयुग 1950 ईस्वी, धर्मवीर भारती द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? रचनाओं के नाम है अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। सही उत्तर है ए। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा, अंधा युग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती द्वारा, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, धूमिल द्वारा, मगध 1984 ईस्वी, श्रीकांत वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? उपन्यासों के नाम है त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल, आधा गांव। सही उत्तर है डी। सेवा सदन 1918 ईस्वी, प्रेमचंद द्वारा, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, जैनेन्द्र द्वारा, मैला आंचल 1954 ईस्वी, रेणु द्वारा, आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? नाटकों के नाम है लहरों के राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर है सी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद द्वारा, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, मोहन राकेश द्वारा, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? व्याख्याकारों के नाम है भट्ट, लोलट, संकुप, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। सही उत्तर है ए। भट्ट, लोलट उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, संकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्तिवाद, भोगवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है बी। अरस्तु 384 ईस्वी, सैम्यूल
कॉलरिज 1772 ईस्वी, जॉन का क्रॉन रैनसम 1888 ईस्वी, इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। प्रश्न, निम्नलिखित काव्य शास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ग्रंथों के नाम है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। सही उत्तर है ए। काव्यानुशासन 12वीं शताब्दी हेमचंद द्वारा, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ कविराज द्वारा, रसमंजरी 15वीं शताब्दी भानुदत्त द्वारा, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है बी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों का सही काल क्या है? कवियों के नाम है सरहपा, सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। सही उत्तर है सी, सरहपा 769 ईस्वी, गोरखनाथ 845 ईस्वी, हेमचंद्र 1088 ईस्वी, सोमप्रभ सूरी 1184 ईस्वी। अगला प्रश्न, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। सही उत्तर है केशवदास 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी, पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न, सही कृति को क्रम को पहचानिए। सही उत्तर है ए, प्रमुख छायावादी कवि तथा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का अनुक्रम इस प्रकार है, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। सही उत्तर है डी, भरत मुनि प्रथम द्वितीय शताब्दी, भामा 6वीं शताब्दी पूर्वाद, कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तराद, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी का उत्तराद। अगला प्रश्न, कृति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? सही उत्तर है बी, पल्लव 1928 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा, परिमल 1930 ईस्वी निराला द्वारा, लहर 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, नीरजा 1935 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, रचनाकाल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। सही उत्तर है बी, हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी, अज्ञे 1911 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? सही उत्तर है बी, निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, सांध्यगीत 1936 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? सही उत्तर है डी, सुखमय जीवन 1915 ईस्वी गुलेरी द्वारा, दो बांके 1936 ईस्वी भगवती चरण वर्मा द्वारा, शरणार्थी 1948 ईस्वी अज्ञे द्वारा, ठुमरी 1959 ईस्वी रेणु द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? सही उत्तर है डी, कबीरदास 1398 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, मलुकदास 1574।